हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस रिलेशनशिप विद पियर्स फ्रेंडशिप एंड जेंडर कंपटीशन एंड कॉपरेशन कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एग्रेशन एंड बुलिंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस सब्सटेंस अब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन ठीक है सो बेसिकली अगर हम बात करें ये ना मैंने बहुत बड़ी वीडियो ना बना के एक शॉर्ट क्रिस्प वीडियो बनाई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम कर देगी मतलब ठीक है तो जब आप बिहेवियर पैटर्न की बात करते हो या बच्चों की नीड या एडोलेसेंस की नीड समझने की बात करते हो तो हम हर एक कंसेप्ट को कवर करेंगे जैसे कि सबसे पहले रिलेशनशिप विद पियर एंड फ्रेंडशिप एंड जेंडर दोनों को डिस्कस करेंगे फ्रेंडशिप की बात करें तो बच्चों की लाइफ में और एडोलेसेंस की लाइफ में फ्रेंडशिप और जेंडर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है फ्रेंडशिप क्यों फ्रेंडशिप से बच्चों को इमोशनल सपोर्ट मिलता है अच्छा ये जो पॉइंट्स है ना ये आप ऐसे एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो या फिर पॉइंट पॉइंट करके भी लिख सकते हो डिपेंडिंग आपका क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है सोलह नंबर के हिसाब से पॉइंट में भी करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा सो दे प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल लर्निंग फ्रेंडशिप से क्या होता है ना बच्चों को जिसे कहना चाहिए और एडलसेंस को इमोशनल सपोर्ट मिलता है दे फील कि हम कहीं बिलोंग करते हैं सोशल लर्निंग के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी फ्रेंडशिप और कॉम्प्लेक्स हो जाती है आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनकी फ्रेंडशिप बड़ी ऐसी होती है कि मतलब वो मतलब सेल्फलेस होते हैं कि ठीक है जो है ऐसा ही है कोई सोचना नहीं होता कुछ नहीं होता लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाती है ऐसा नहीं कि खराब हो जाती है या सब सेल्फिश हो जाते हैं नहीं समहा इट गेट्स अबाउट इंटरेस्ट एंड वैल्यूज लेकिन कई लोगों की बचपन की जो दोस्तियाँ होती हैं बहुत लंबी चलती हैं बहुत अच्छे लाइक बहुत टाइम तक दोस्त रहते हैं और अभी भी होते हैं मतलब ऐसा तो वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन प्लस सिचुएशन टू सिचुएशन लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों का या किसी भी एडलेसेंस का जो बिहेवियर है वो फ्रेंडशिप के साथ मतलब यू नो चेंज भी होता है जैसे आप कई सारी चीज़ें सीखते हो आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है और इनफैक्ट कई बार कई गलत चीज़ें भी सीखते हैं लोग फ्रेंडशिप में ठीक है तो ये उस कॉन्टेक्स्ट से इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड ऑब्वियसली बचपन में ठीक होती है फ्रेंडशिप बिल्कुल सेल्फलेस होती है बड़े होके थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है एंड शेयर्ड इंटरेस्ट एंड वैल्यूज पे डिपेंडेंट हो जाती है ठीक है नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस जेंडर कैन इन्फ्लुएंस पियर रिलेशनशिप्स यानी कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में जो जेंडर होता है ना वो पियर रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है चिल्ड्रेन ऑफ इन फॉर्म सेम जेंडर फ्रेंडशिप जैसे स्टार्टिंग में कोई भी अगर आप देखते होंगे स्कूल में बच्चे दोस्त ऐसा नहीं है कि या? ये कोई ऐसा चीज है जो फिक्स है बट कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां लड़कियों के साथ कंफर्टेबल होती हैं लड़के लड़कों के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो बच्चे या बड़े लोग अपने जेंडर में इस दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं उसके बाद ऑब्वियसली इट कीप्स ऑन चेंजिंग विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर एंड रूल्स तो जब आपकी दोस्ती सपोज किसी लड़की से आप लड़की हो या आपकी दोस्ती कोई लड़का है और उसकी दोस्ती लड़के से है तो उनके बिहेवियर भी वही हो जाते हैं जो वो देखते हैं कि अच्छा जब बचपन में हम देखते हैं कि लड़कियां ये कर रही हैं जो बहुत छोटे होते हैं तो हमारा भी, भी बिहेवियर हम लड़कियां तो हमें भी यही करना है कई लड़के देखते हैं कि यार मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मुझे भी यही करना है सम हाउ योर फ्रेंडशिप्स एंड योर रिलेशनशिप विद योर पीयर वो आपके जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर को में चेंजेस लाते हाउ एवर एज दे मेच्योर यानी जब चिल्ड्रन से यानी चाइल्डहुड से बड़े होने तक हम जाते हैं तो मिक्स जेंडर फ्रेंडशिप ज्यादा कॉमन हो जाती है लाइक like आपने बचपन में देखा होगा मतलब वैसे तो बचपन में भी हो सकता है बट स्टिल हम छोटे थे तो हम लड़कियों से ही या फिर ऐसे ही होता था ना कि से ही बात करते थे पर्टिकुलर जेंडर में फिर बड़े हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मिक्स जेंडर फ्रेंडशिप डेवलप हो गई सो so वो आपको समझने में हेल्प करती है डाइवर्स परस्पेक्टिव फिर आप चीज़ों को लेकर समझ पाते हो कि अच्छा ये लड़का है तो इसको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है ये लड़की है इसको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है फिर आपका जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर थोड़ा हटके एक डाइवर्स परस्पेक्टिव हो जाता है जेंडर को लेकर ठीक है सो ये आपका रिलेशनशिप विद पियर है फ्रेंडशिप एंड जेंडर को लेके नाउ कंपटीशन एंड कॉपरेशन की बात करूं और कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करूं सबसे पहले बोथ कंपटीशन एंड कॉपरेशन आर इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन जब आप बात करते हो कंपटीशन बहुत जरूरी है ठीक है अगर कंपटीशन ना हो तो सम हाउ कोई भी क्यों अचीव करना चाहेगा कुछ ठीक है हम कितना भी कह लेते हैं कि कंपटीशन हमारा खुद से है बिल्कुल सही बात है हमारा खुद से होना चाहिए समहााउ दीज आर इंपॉर्टेंट स्टफ ऐसा नहीं कि गलत चीज़ है कि हम किसी के साथ कम्पिटिटिव हैं बहुत हेल्थी कंपटीशन भी देखे जाते हैं जिससे इंप्रूवमेंट होती है आप देखते हो कि आपकी क्लास में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपको भी लगता है नहीं मुझे भी करना है दीज आर द इमोशंस तो कंपटीशन एंड कॉपरेशन दोनों हमारे सोशल इंट्रैक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं हेल्थ कंपटीशन से इंडिविजुअल मोटिवेट होते हैं कि भाई मुझे कोई गोल अचीव करना है लाइफ में एक्सेल करना है और कॉपरेशन जो होता है आपस में साथ में अच्छे से काम करना टीम वर्क वगैरह वो आप दूसरों के साथ काम करना सीखते हो लाइक कंपटीशन भी होगा कॉपरेशन भी होगा दोनों चीज़ें देखी जाती हैं मैं हमेशा क्रिकेट का एग्जाम्पल देती हूँ बट सम हाउ क्रिक, क्रिकेट में आप कई जगह देखते होंगे कंपटीशन भी होता है लेकिन कॉपरेशन भी होता है जैसे कोई एक प्लेयर है जो बहुत अच्छा है और एक प्लेयर का अच्छा है जो मतलब आप जो भी मान लीजिए कि वो ज्यादा उतना पॉपुलर नहीं है जो उतना अच्छा नहीं भी खेलता है लेकिन जब वो टीम में होते हैं ना तो देख कोऑपरेट विद ईच अदर और कई बार बिना टीम के भी ऐसा नहीं है दैटोर्स स्पोर्ट्समैनशिप तो ये चीजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और ये दोनों के दोनों चीजें बैलेंस बनाती हैं ठीक है, है सोशल स्किल्स के एस्पेक्ट्स पे कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट देखिए जहां कंपटीशन हेल्दी होता है ऑब्वियसली कंपटीशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं यानी आप आपकी ना बने सामने वाले से आपकी जिसे कहना चाहिए कि जो आपके विचार हैं और सामने वाले के विचार हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं ठीक है तो कई बार कंपिटिशन को अगर ढंग से नहीं मैनेज किया जाए तो इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट वैसे भी हो सकते हैं ऐसा नहीं कि कभी होंगे ही नहीं तो इनको भी सॉल्व करना थोड़ा सा जरूरी है टीचिंग चिल्ड्रन एंड एडलसेंस हाउ टू कम्पीट फेयरली एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली हेल्प देम नेविगेट सोशल सिचुएशन एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर आप बच्चों को और एडलसेंस को बताते हो कि कैसे फेयरली आपको पार्टिसिपेट करना है किस तरह से अच्छे से पार्टिसिपेट करना है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कैसे उसको सॉल्व करना है कैसे आपको सोशल सिचुएशन से अलग जाना है कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना है ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ठीक है थीके? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रेशन एंड बुलिंग फ्रॉम अर्ली चाइल्ड हुड टू एडलसेंस एग्रेशन की बात करते हैं एग्रेशन बच्चों में होता है बहुत छोटे बच्चों में नहीं एडलिसेंस में ज्यादा होता है ऑब्वियसली छोटे बच्चों में थोड़ा कम होता है लेकिन वो नाराज हो जाएंगे या इस तरह से अपना एग्रेशन दिखाते हैं लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं जब वो चिल्ड्रन टू एडल्ट हुड जाते हैं या एडेलसेंस की तरफ जाते हैं तब उनमें एग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है ये कई सारी स्टडीज में पता चला है कि बॉयज़ ज्यादा एग्रेसिव होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स ठीक है

बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है कई बार बच्चे जो बचपन में जिनको बुली किया जाता है कॉलेज में बुली किया जाता है वो इस चीज़ से शॉर्ट नहीं कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं लाइफ टाइम वो उनके लिए ट्रॉमा बन जाता है बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जब बुलिंग ने बच्चे को पूरी तरह से मतलब यू you नो know, बहुत ही डिस्ट्रॉय कर दिया है सो so इट इसका असर दोनों पे पड़ता है विक्टिम पे भी जो कर रहा है वो भी और ज्यादा एग्रेफिव हो सकता है अगर उसकी बुलिंग से वो अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है उसको उससे ना कहीं ना कहीं वो डोमिनेंस वाली फीलिंग आ रही है तो वो उसको फ्यूचर उसका भी खराब हो रहा है सो प्रिवेंटिंग बुलिंग रिक्वायर क्रिएटिंग अ सेफ एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि बुलिंग को रोका जाए उसके लिए बच्चों के लिए सेफ और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट प्रिपेयर किया जाए उनको एम्पी सिखाई जाए कि दूसरों के लिए एग्रेसिव और हमेशा ऐसे गुस्से में या फिर उनके लिए नेगेटिव नहीं सोचना उनको उनकी जगह रख के देखिए खुद को कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको क्या लगता और अगर किसी के बीच में असमंजस है या मतलब कॉन्फ्लिक्ट है आपस में नहीं बन रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना ठीक है उसके बाद आते हैं सब्सटेंस अब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सब्सटेंस अब्यूज़ एंड ड्रग एडिक्शन अलग अलग एज में अलग अलग तरह से प्रॉब्लम करते हैं सो so, कई बार सब्सटेंस अब्यूज चीज़ों को गलत तरह से यूज करना शुरू हो जाता है मोस्टली जब बच्चे यू you नो know, थोड़ा सा एडलेसेंस के एज में आते हैं उस टाइम पे पेयर प्रेशर वगैरह फील करते हैं बचपन में अर्ली चाइल्डहुड में भी हो सकता है बट उनको हमें बताना पड़ेगा बचपन बच, 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 बच मतलब छोटे बच्चों को पता नहीं होता देखिए ये मानिए कि सामने वाला बच्चा जो है चाहे आप कितना भी समझते हो कि वो बहुत इंटेलिजेंट है बट कई बार नहीं पता होता उन्हें सही और गलत नहीं पता होता तो उनको ड्रग्स एंड एल्कोहल से नुकसान हो सकता है ठीक है प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हेल्प बिल्ड अवेयरनेस एंड रेजिस्टेंस स्किल अगर आप उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे ठीक है तो उनके अंदर अवेयरनेस और रेजिस्टेंस स्किल्स डेवलप होंगे उन्हें पता रहेगा कि नहीं ये गलत है ये नहीं करना है हमें पता है कि ये चीज़ नहीं इसको नहीं करना यह गलत हैबिट गलत है वो चीज बच्चे के दिमाग में डालना बहुत जरूरी है ठीक है अब एडलिस में आके ना सिचुएशन चेंज हो जाती है बच्चे को पता होता है गलत है लेकिन कई सारे और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो कुछ यू नो स्टार्ट कर सकता है सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी हर चीज की क्यूरियोसिटी एडल में बढ़ जाती है चाहे कोई भी एस्पेक्ट्स ले लीजिए तो वहां पे उसको क्यूरियोसिटी होती है कि ये करना है और दूसरा दोस्त कर रहे हैं तो दोस्त कर रहे हैं तो भाई हम तो पीछे रह जाएंगे तो हम तो मतलब पीछे हो जाएंगे हम तो बी हो जाएंगे वो तो ए है तो वो चीज जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना मैक्सिमम बच्चों में वो रिस्पॉन्स होता है कई बार दोस्त चैलेंज करते हैं कि अरे तू तो तुझे तो आता ही नहीं है ये सब करना तो वो गलत है नहीं आना चाहिए बट बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे करना है एंड वो एक बार जो क्यूरियोसिटी में ट्राई किया जाता है चीज़ें वो कई बार लाइफ टाइम के लिए आदत लग सकती है तो वो हमें बच्चों को बताना है बार बार ये सेशंस लेने हैं स्कूल्स में इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स केयर गिवर्स एंड एडुकेटर इज एसेंशियल टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड एड्रेस एनी कंसर्न यानी हम अगर कम्युनिकेट करते हैं पेरेंट्स से केयर गिवर्स से एडुकेटर से तो हम उन्हें गाइडेंस कर दे सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है प्रिवेंशन सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम ऑफ एन फोकस ऑन बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम डिसीजन मेकिंग स्किल एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि जो ये सब्सटेंस अब्यूज के प्रिवेंशन प्रोग्राम्स होते हैं ये फोकस करते हैं सेल्फ स्टीम बिल्ड करने पे कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो उसको पता चले कि डिसीजन कैसे लेने होते हैं एकदम से जोश में आके डिसीजन नहीं लिए जाते तो हम उनको डिसीजन मेकिंग स्किल्स सिखाते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं हम उन्हें बताते हैं कि हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हेल्दी रहना क्यों जरूरी है ठीक है उन्हें बताते हैं कि पॉजिटिव पियर ग्रुप में हमें इन्वॉल्व होना क्यों जरूरी है ताकि कोई भी ऐसा मतलब आपका दोस्त से कहीं ना कहीं आपका सर्कल अगर अच्छा होगा आपके सर्कल में कोई भी ऐसी हैबिट नहीं होगी ना तो वो ऑटोमेटिकली सब सही रहेगा सो इन्वॉल्वमेंट इन पॉजिटिव पियर ग्रुप्स कैन हेल्प मिटिगेट द रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज अगर आपका ग्रुप अच्छा है तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपसे दूर रहेंगी इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट अगर हो गया है किसी बच्चे को कोई आदत लग गई है या आपको लग रहा है कि वो ये चीज़ कर रहा है अभी आदत नहीं लगी बट कर रहा है तो वहां पे आप उसको समझाएं कि बेटा ये गलत है इंटरवेंशन जरूरी है वहां पे उसको समझाना कि क्या सही है क्या गलत है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अगर आपको लग रहा है बात हाथ से बाहर जा रही है बच्चा नहीं कंट्रोल कर पा रहा है सो यू नीड टू डू द ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग फैमिली इन्वॉल्वमेंट की कई बार जरूरत पड़ सकती है जब रिकवरी की बात होती है सो so ये था हमारा पूरा चाइल्डहुड एंड एडलेसेंस को लेकर डिस्कशन बच्चों की अलग अलग फेजेज में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जितने भी सारे एरिया ना इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि देखिए बच्चों के लिए अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना जरूरी है बिहेवियर उनका अच्छा हो उसके लिए आपको एजुकेशन उनको अच्छे से देनी पड़ेगी उनको अपनी बात बतानी पड़ेगी पॉजिटिव रोल मॉडलिंग वो सीखे वो सीखे क्या सही है क्या गलत है उनके लिए सपोर्टिव इन्वायमेंट बिल्ड करना पड़ेगा ठीक है और चिल्ड्रेन एंड एडलसेंस बेनिफिट फ्रॉम कंसिस्टेंस गाइडेंस मतलब बच्चे जो हैं वो बेनिफिट हो उनको कंसिस्टेंस गाइडेंस से ये ज़रूरी है ये सब चीज़ें हमें उन्हें बतानी ही पड़ेंगी ठीक है सो so, ये जो टॉपिक था ये हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का टॉपिक है ये आपको इसकी बाकी की सारी वीडियो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी बाकी अगर और सब्जेक्ट्स बी के आपको ढूंढने हैं वो भी प्लेलिस्ट में अरेंज हैं वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच हैव हैवन आई स्टेल यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो